सातवें चरण का चुनाव है। इससे पहले के जितने चरणों में चुनाव हुए हैं उन चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। आपको तो ये जानकारी हो गई होगी कि अभी तक जितने चरणों में चुनाव हुए हैं उन सभी चरणों में गठबंधन को जनता ने समर्थन दे करके उनको ऐतिहासिक बहुमत दिलाने का काम किया है। मैं आज सुबह सबसे पहले आपके अकलौरिया विधानसभा और फूलपुर पवई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आपसे वोट मांगने आया। आज मैं सगड़ी में आपसे, और मुझे पता है कि इस बार आजमगढ़ सरकार बनाने के लिए 10 में से 10 सीटें निकल रहा है। वैसे तो हर चरण में मुकाबला चलना था कि पहले चरण में जनता गठबंधन को कितनी सीटें जिताई, दूसरे में बढ़कर के जिताया, तीसरे में भी बढ़कर के जिताया, लेकिन आजमगढ़ आते आते ये सातवें चरण में मुझे लगता है यहाँ की जनता सातवें चरण में बीजेपी को सात समुंदर पार फेंक देगी। आपको बगल का तो पता लग गया होगा छठवें चरण का, बताओ छठवें चरण के लोगों ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? और जब से छड़ी वाले साथ आए चौहान पार्टी हमारे साथ आ गई, अपना दल आ गया, उसके बाद तो बीजेपी का पता नहीं लग रहा कि बीजेपी का खाता खुलेगा कि नहीं अपने देवाला के क्षेत्र के लिए किसानों की खेती बचाने के लिए
उनके घर मकान बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए तो समाजवादी सरकार बनने पर आपको विशेष योजना से दूर करना। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो इलाका शहरी का सबसे ज्यादा गरीब इलाका है, नौकरी रोजगार नहीं है। पिछले 3 साल से फौज की भर्ती बंद है, 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को भर्ती कराने का काम सरकार को, न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार का होगा। ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क आपकी बनी है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अभी केवल एक सड़क बनी है। अभी जो सड़क के किनारे और काम होने थे वो अभी काम नहीं हुए हैं, और 5 साल में ये बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के बाबा मुख्यमंत्री ने केवल फीता लगा करके और दिल्ली से कैंची वाला को बुला के केवल फीता करवाने का काम किया और दूसरा कोई काम नहीं किया। इसलिए आजमगढ़ की जनता को मैं कह के जा रहा हूं कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडी बना करके और अपने किसानों की फसल को MSP दिलाना पड़ेगा तो सरकार में समाजवादी पार्टी ने अपने किसानों को हर फसल का MSP दिला करके उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेगी। और नौजवानों, जैसे समय बदला है, लोगों का काम करने का तरीका बदल गया, रोजगार बदल गए, कारखाने जिस तरीके से काम करते हैं वो बदल गया है, और व्यापार करने का तरीका बदल गया। इधर मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर ने चीजों को बदल दिया है। इसलिए नौजवानों, ये तो केवल शिलान्यास करके गए यूनिवर्सिटी का, समाजवादी सरकार बनेगी तो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए समाजवादी हो गया। और जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो हमारी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी होगी। जो बच्चे 12वीं के बाद नौकरी करना चाहते हैं या रोजगार ढूंढना चाहते हैं, कुछ लोग BSc के बाद, BA के बाद, MA के बाद, जिनको रोजगार और नौकरी नहीं मिलती है, आजमगढ़ में ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बना करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने करके और उन्हें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि जब बाढ़ आती है हमारी सड़कें टूट जाती है, गड्ढे मिट्टे हो गए, इसलिए सड़कों का जहां निर्माण होगा वहीं अपने गरीबों को हम लोहिया आवास से उनकी मदद करने उनका घर मकान बनाने में काम करेंगे। और ये याद किया समाजवादी सरकार ने जो लोहिया आवास होते थे वो 3,45,000 के होते थे, और आवास इसलिए 3,45,000 का दे रहे थे क्योंकि हमारे गरीब का कम से कम घर बन जाए। मैं अपने सभी जिलों को, आजमगढ़ जिलों को भरोसा दिला के जा रहा हूँ, समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 4 लाख का लोहिया आवास देना पड़े, हम अपने गरीबों को लोहिया आवास दे करके जहाँ कहीं में लोहिया आवास बना होगा तो आपने देखा होगा उसमें सोलर पैनल, LED
पहले नवंबर तक राशन दे रहे थे, अब कह रहे मार्च तक देंगे। हम अपने लोग गरीबों को कह रहे हैं समाजवाद की सरकार बनेगी और 5 साल आपको राशन देने का काम करेगा। न केवल राशन देंगे, जो सरसों का तेल महंगा हो गया है, गरीबों को 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री दिया जाएगा, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज समाजवादी सरकार।